आप लोगों ने व्रत में लौकी साबूदाने की खीर तो बहुत बनाई होगी। आज मैं आपके साथ लौकी और कद्दू की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है। इसके लिए मैंने एक टुकड़ा लौकी का लिया है, थोड़ा साबूदाना लिया है, इसको धो लिया है अच्छे से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कद्दू को तल लेंगे। तो इसको हम अच्छे से सबसे पहले कद्दूकस करेंगे। आप देख सकते हैं कद्दू को मैंने अच्छे से कस कर लिया है। इसी तरीके से कस कर लेना है कद्दू को। अब हम सबसे पहले, मैंने पहले ही एक भगोने में दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, करीब 3 पाव के करीब दूध है। देखिए आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाली आने लगी है। अब जो हमने साबूदाना धोकर रखा है, ये हम साबूदाना दूध में डाल देंगे। अब इसको हम पकने देंगे। तो चलिए, जब तक साबूदाना पक रहा है हमारा, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा वाला फ्राई पैन रखा है, इसमें हम आधी से एक चम्मच घी डालेंगे। ज़्यादा नहीं लेना है, बस आधा चम्मच हमने घी ले लिया है। घी के हल्का गर्म होने पर हम इसमें खसखस के दाने डालेंगे, पॉपअप शीट जो बोलते हैं। एक चम्मच भर के यहाँ पर खसखस के दाने डाल दिए। साथ में ही हमने जो कद्दू कस करके रखा है पंपकिन, उसको हम ले लेंगे। इसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। कद्दू वैसे बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको घी के साथ हल्का फ्राई कर लेंगे, जिससे खीर का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं साबूदाने हल्के मतलब हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इसमें जो हमने कद्दू कस के जो फ्राई करके रखा है खसखस के साथ, वो हम डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी खीर बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको खीर कैसी लगी है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखिए अब इसको हम पका लेंगे 2 से 5 मिनट के लिए, स्लो आंच पर हम पकाएंगे खीर को। बीच बीच में चलाते रहेंगे हर 1-2 मिनट में, जिससे लगे ना, इसलिए हम बीच बीच में इसको थोड़ा चलाते रहेंगे। खीर को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए गाढ़ापन भी आ गया है खीर में। कलर देखिए आप, कितना सुंदर कलर आया है। तो अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। तो करीब मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच शक्कर लिए हम डाल देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम मीठा खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, उस हिसाब से आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको वापस से 2 से 5 मिनट के लिए एकदम स्लो आँच पर हम फिर से पकाएंगे। आप देख सकते हैं खीर हमारी एकदम रेडी हो गई है। इसको ज़्यादा मतलब क्या एकदम गाढ़ा नहीं करते हैं, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। इसलिए हम इसी स्टेज पर अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो सबसे लास्ट में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 5 से 6 इलायची का पाउडर बना लिया है, ये हम डाल देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जिसको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और जो नहीं डालना चाहते वो ना डालें। तो ये देखिए हमारी कद्दू साबूदाने की खीर बनकर एकदम रेडी है। ये देख आप देख सकते हैं।